अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सलीम साफ़ी और आप देख रहे हैं जी बी दारेल। नाज़रीन, इस वक्त हम चिशिर गाह के मुकाम पर मौजूद है और ये इंतहाई खूबसूरत जगह है। मैंने एक दो दिन पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्री पेश किया था, वो चिशिर गाह की खूबसूरती के हवाले से और यहाँ की कुछ जो तारीख है और नाम है उसके हवाले से मैंने आपको आगाह किया था और जो खूबसूरत जगह थे वो हमने आपको दिखाया था। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है कि चिशिर गाह के ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है ये अखरोट के दरख्त है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा दरख्त है अखरोट का और यहाँ पर भी एक अखरोट का बहुत बड़ा दरख्त है, ये आप देख सकते हो। मैं कोशिश कर लूँगा आपको अखरोट दिखाऊँगा, छोटा जो अखरोट होते हैं। अखरोट इस वक्त बिल्कुल कच्चे है लेकिन कच्चे कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। उसके बाद ये जो बागात है नाज़रीन, ये बागात में सबसे और दूसरी खूबसूरत बात यही है कि जो पुदीना होता है वो यहाँ पर नेचुरल जो पुदीना है, कुदरती पुदीना है, ये पुदीना है यहाँ पर ये बागात में, ये आपको वाफर मकदार में आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये पुदीना होता है, इंतहाई खाने में मज़ेदार भी होता है, इसका कुछ आप देसी दवाई भी बना सकते हो। और इस तरह के बहुत सी जड़ी बूटीज़ ये जो बागात है चिचिरगढ़ बागात में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ये जो जड़ी बूटी है नाज़रीन, ये बूटी इंतहाई एक हामिल जो इंसान के जो चेहरे के ऊपर जो खारिश होती है, हम उसको शिनामे उसको राजी कहते हैं, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मुफीद साबित होता है। और इसकी जो जड़ होती है नाज़रीन, जो अगर कोई गायें बकरी वगैरह ऐसे माल मोशी पर अगर कोई चीज़ मिसाल के तौर पर अगर वो जो रोटी वगैरह खा कर उनकी जब पेट फूल जाती है तो इसकी जो जड़ें होती है उसको पीस कर या उसकी पानी बनाकर अगर पिलाते हो तो वो जो माल मोशी होती है उनकी वो ठीक हो जाते हैं। तो चलो मैं आपको कुछ अखरोट भी दिखाता हूँ, अखरोट कैसे होते हैं यहाँ के जो कच्चे अखरोट है हमारे जो दारेल और चिचिरगढ़ के, वो मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, तो ये आप देख सकते हो ये अखरोट है, इस वक्त कच्ची अखरोट यहाँ पर अल्लाह की कुदरत से दरख्त लगी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी अखरोट है, ये बिल्कुल इस वक्त छोटे छोटे अखरोट इस वक्त दरख्त के ऊपर है। और ये आप देख सकते हो ये कुदरत का एक नज़ारा है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी डबल डबल अखरोट है लगे हुए हैं, जोड़ी है, जैसा कि इंसान की जोड़ी होती है, हर इंसान हर चीज़ की इस तरह अल्लाह ताला ने हर चीज़ की जोड़ी बनाई हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये देखिए, ये जो अगर आपको सिंगल अखरोट नज़र आ रहा है तो यहाँ से टूटा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से इसका सभी हवा की वजह से टूट जाते हैं। तो ये अखरोट तो आपने देख लिया नाज़रीन। उसके बाद मैं आपको शहतूत के बारे में कुछ मैं आपको बताता चलूँ। और उसका शहतूत का ये दरख्त है, छोटा सा दरख्त है, इसके कुछ बागात में जाकर शहतूत के बागात होते हैं वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्री बना के आपको दिखाना था, लेकिन मैं आपको चलो सिंपली दिखाता हूँ। ये यहाँ शहतूत के दाने ये आप देख सकते हो इस वक्त लगे हुए हैं, छोटा छोटा कलर इस वक्त शहतूत के दानों में आया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ दाने लगे हुए हैं, लाल लाल नज़र आ रहा है, ये शहतूत है, इसको काला शहतूत कहते हैं, जो यहाँ पर एक इंतहाई मज़ेदार और मीठा मिठास में भरा हुआ एक सफ़ेद शहतूत होता है, वो इंतहाई मज़ेदार भी होता है और उसकी एक अलग ही नज़ारा और खाने में अलग ही मज़ा होता है। चलो उम्मीद रखता हूँ ये छोटा सा डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आया होगा नाज़रीन। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह के मुख्तसर और खूबसूरत और कुदरती डॉक्यूमेंट कुदरत के जो नज़ारे हैं वह हम आपको इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। मिलते हैं दूसरी डॉक्यूमेंट्री, कोई अच्छी सा डॉक्यूमेंट्री लेकर, अल्लाह ने एक बार।